वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं संक्षिप्त रूप से आपको बताना चाहता हूं कि डायबिटीज को अगर हमें रिजोल्व करना है या कंट्रोल करना है तो 1 2 3 4 4 5 कौन से मेजर स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना होगा। अगर इसके बारे में आप विस्तार के अंदर वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर बड़ी वाली वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। छोटे शब्दों में समझते हैं कि कैसे डायबिटीज को हमें कंट्रोल करना है, क्या 4-5 चीजें हैं जो हम कर लें जिससे डायबिटीज नियंत्रण में आ जाए। सबसे पहले सुबह उठकर आपको पानी पीना है, पानी पीने के बाद फ्रेश होना है। हर चीज के अंदर ये एक नियम आपको फॉलो करना ही करना है। अगर पहले दिन के टॉक्सिन्स आपने अपने शरीर से बाहर नहीं निकाले तो शरीर दिन पे दिन बीमार होता जाएगा। तो इसलिए सुबह उठना है, तांबे के बर्तन में रखा हुआ रात भर का पानी आराम से गुनगुना करना है, आराम से पीना है। पीने के बाद उसके टॉक्सिन्स को अपने शरीर से बाहर निकालना है। उसके 5-10-15 मिनट के बाद में आपको जड़ी बूटियां लेनी है। कौन सी जड़ी बूटियां? जो मधुमेह को कंट्रोल करने में मदद करती हैं। ऐसी जड़ी बूटियां कौन सी होती हैं? जामुन हो गया, करेला हो गया, गुड़मार हो गया, अश्वगंधा हो गया। ये सारी चीजें जो होती हैं ये आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करती है। अब इस तरह की औषधियों को लेने के 2 तरीके हैं। वाक्षी के पास में डायबिटिक केयर जूस है जिसमें जामुन, करेला, अश्वगंधा, गिलोय, ये सब कुछ इसके अंदर होता है। तो आपने इसका 1 ढक्कन आधा गिलास पानी में मिक्स करा और सुबह खाली पेट पी लिया। पीने के बाद में आपको 5-10 मिनट के बाद सैर करने के लिए निकल जाना चाहिए। जिनको भी डायबिटीज है उनको हर रोज कम से कम 20 से 25 मिनट अच्छी खासी एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए ताकि आपका पेनक्रियाज एक्टिव रहे, इंसुलिन की मात्रा जो है वो नियंत्रित रहे और शरीर के अंदर डायबिटीज को हम कंट्रोल कर सके। तो एक तो डायबिटिक केयर जूस के अंदर वो सारी औषधियां जो आपको मदद करेंगी। रात को सोने से पहले भी आप इसका 1 ढक्कन आधा गिलास पानी में मिक्स करके इसी तरह से पियेंगे तो शरीर के अंदर ऑप्टिमम अमाउंट के अंदर वो जड़ी बूटियां जाएंगी जो शरीर के अंदर डायबिटीज में लाभदायक हों। दोपहर के खाना खाने के बाद में 1/2 चम्मच आप ले सकते हैं गुड़मार का। देखिए, याद रखिएगा, जड़ी बूटियां अच्छी होती हैं, शरीर को लाभ करती हैं, प्रोवाइडेड के आप उनका मिसयूज ना करें। गुड़मार दुनिया की सबसे बेहतरीन औषधियों में से एक है जो डायबिटीज को कंट्रोल कर सकती है। लेकिन होता क्या है, आपने 1 चम्मच खाया 1/2 चम्मच खाया, आपने देखा मेरी डायबिटीज के अंदर थोड़ा सा नियंत्रण आना शुरू हुआ, तो लोग क्या करते हैं और ज्यादा मात्रा में इसको खाना शुरू कर देते हैं। जब आप इसे बहुत ज्यादा खाते हैं तो ये हाइपोग्लाइसीमिया कर सकता है, शरीर में ग्लूकोज की लेवल बहुत ज्यादा डाउन भी कर सकता है। तो इसीलिए किसी भी जड़ी बूटी का मिसयूज करने से बचें। संतुलन के अंदर अगर थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही जड़ी बूटियां हर रोज लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके शरीर के लिए फायदेमंद सिद्ध होती है। तो सुबह शाम आपने क्या करा, डायबिटिक केयर जूस का 1 ढक्कन आधा गिलास पानी में मिक्स करा और पी लिया। दोपहर में खाना अगर खा लिया तो खाना खाने के बाद में आपने 1/2 चम्मच गुड़मार का हर रोज लेना शुरू कर दिया, काफी अच्छा है, जिसके साथ में आप देखेंगे 20-25 दिन के अंदर डायबिटीज आपकी कंट्रोल होनी शुरू हो गई। खासकर टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज को कंट्रोल करना बेहद मुश्किल होता है, उसके लिए हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब अनाज जो हम खाना खाने में इस्तेमाल करते हैं, क्या वो गेहूं सबसे अच्छा है? नहीं। अगर गर्मियां हैं तो गेहूं की जगह पे हो सके तो जौ का इस्तेमाल करें, बार्ले का इस्तेमाल करें। और जैसा हम बताते हैं 12 महीने के लिए मिलेट्स दुनिया के सबसे बेहतरीन अनाजों में से एक है। तो अगर मिलेट्स जैसे हमारे पास में अनाज हो तो मिलेट्स के अनाजों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमारी डायबिटीज जो है वो रेगुलेट हो सकती है। ये जितने भी मोटे अनाज है जो हमारे पहले पूर्वज खाते थे, ज्वार हो गया, रागी हो गया, गर्मियों में क्या खाना चाहिए? ज्वार और जौ, ये दोनों बहुत ज्यादा गर्मी नहीं करेंगे। सर्दियों में क्या खाना चाहिए? बाजरा, रागी, फॉक्सटेल मिलेट, कोडो मिलेट्स, ये जितने मिलेट्स हैं ये हम सर्दियों में बाकी खा सकते हैं। बैनयार्ड मिलेट गर्मियों में खा सकते हैं। तो बैनयार्ड मिलेट, जौ और जो ज्वार का है, ये तीनों का सेवन आप गर्मियों में कर सकते हैं। ये आपकी डायबिटीज को नियंत्रित करेगा। जितना ज्यादा हो सके इन अनाजों को अपने खाने में डालें, गेहूं की मात्रा जितनी कम रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा। अगर अनाज ही हमने बदल दिया तो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा हम बढ़ने नहीं देंगे और डायबिटीज बहुत अच्छे तरीके से आप कंट्रोल कर पाएंगे। अब जिन्हें डायबिटीज होती है वो हमेशा ललचाते रहते हैं कि हम तो शुगर में कुछ खा ही नहीं सकते, हम तो चीनी जैसे ही खाएंगे हम बीमार हो जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। नहीं, नियमित मात्रा में, थोड़ी थोड़ी मात्रा में अगर आप शक्कर लेते हो, गुड़ की बनी हुई शक्कर करते हो, और अगर आपकी डायबिटीज अभी 200 को क्रॉस नहीं करके गई है तो शक्कर आपको नुकसान नहीं करेगी। गुड़ की शक्कर को आपने कभी भी अगर दिन में 1-2 बार 3 बार मन करता है तो आप 1/2 चम्मच तक गुड़ की शक्कर का सेवन कर सकते हैं, तो ये आपको बीमार नहीं करेगी और आपके लिए लाभदायक भी होगी।
तो डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए हमने क्या कहा, सुबह पानी पिया, पानी पीने के बाद में हमने कोई ना कोई इस तरह की औषधि ली, ऑर्गेनिक कोई ना कोई जूस ले लिया या पाउडर्स ले लिए। उसके बाद में जब हमने खाना खाना शुरू करा तो क्या करा, गेहूं की जगह पे अपना अनाज बदल दिया, चीनी की जगह पे हमने शक्कर का इस्तेमाल करते हैं। जो लोग अभी डायबिटीज की सरहद पर हैं, जिनको लगता है आगे जाके डायबिटीज हो जाएगी, तुरंत चीनी को छोड़कर शक्कर का इस्तेमाल करने देना चाहिए। अनाज के अंदर ये जितनी चीजें मैंने आपको बताई है, केवल ट्रीटमेंट में नहीं, प्रिवेंशन में भी सेम चीजें काम करती है। अगर इनको सही मात्रा में सही टाइम पे शुरू कर दिया जाए तो आगे जाकर नुकसान को बचाया जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि डायबिटीज को नियंत्रण करने के अंदर ये जो वीडियो है ये आपकी मदद करेगी। अगर इसके बारे में विस्तार में आपको वीडियो देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन लिंक में आप देख सकते हैं। भारत वंदे मातरम।